कलर्स टीवी पर प्रसारित हुए शो नागिन 2 का आखिरी एपिसोड कई सवाल दर्शकों के मन में छोड़कर गया। दर्शक अब भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर शिवांगी को उसी के प्यार रॉकी ने क्यों मार दिया और इस कत्ल की रूपरेखा शिवांगी के अपने पिता ने ही क्यों लिखी। लेकिन हम आपको इस सवाल का जवाब देने जा रहे हैं, आखिर रॉकी ने शिवांगी को क्यों मारा, और वो वजह रियल घटना पर बेस्ड है जिसका विवरण पौराणिक किताबों में भी मौजूद है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक शेषनाग का वंश शिव का सबसे बड़ा भक्त था, जबकि तक्षक वंश शिव का सबसे बड़ा दुश्मन। ऐसे में रॉकी और शिवांगी का मिलन धरती पर प्रलय ला सकता था। नागिन 3 में दिखाया जाएगा कि ऋतिक जब ये बात रॉकी को बताएगा तो रॉकी धरती को प्रलय से बचाने के लिए अपने प्यार का खात्मा कर देगा। आपने देखा भी कि जब रॉकी शिवांगी को मारता है तो पिता ऋतिक के चेहरे पर शिकन तक नहीं आती, क्योंकि वो जानता था कि उसकी बेटी ने ऐसे वंश के वंशज से प्यार किया है जिससे उसका मिलन धरती के लिए बेहद खतरनाक साबित होता। इसीलिए दोनों के मिलन से ठीक पहले एक का खत्म होना बेहद जरूरी था, इसीलिए रॉकी के हाथों से शिवांगी की मौत की पटकथा लिखी गई। दरअसल शो के आखिरी सीन में आपने देखा कि शेषा और यामिनी के खात्मे के बाद शिवांगी रॉकी के करीब आती है और कहती है कि उसका इंतकाम पूरा हो गया। शिवांगी कहती है कि रॉकी तुम्हारे बिना मैं कभी अपना इंतकाम पूरा नहीं कर पाती। ये कहते हुए शिवांगी रॉकी के करीब आ जाती है, मगर रॉकी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है और उसके हाथ में जो त्रिशूल होता है वो शिवांगी के पेट में घुसा देता है ताकि शिवांगी नाम की इच्छाधारी नागिन का खात्मा हमेशा हमेशा के लिए हो सके। शो के आखिर में शिवांगी के पिता ऋतिक आते हैं और वो बताते हैं कि शिवांगी शेषनाग वंश की सबसे शक्तिशाली नागिन थी और शिव की सबसे बड़ी भक्त, और उसको कोई और नहीं मार सकता था सिवाय प्यार के, पर नागिन 2 में हुआ भी ऐसा ही। खैर, अब तो दर्शकों को एक नई कहानी के साथ बेसब्री से नागिन 3 का इंतजार है। नागिन सीरीज से जुड़े और अपडेट्स के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।